अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोबिया इन द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ होममेड डोनट्स की रेसिपी। डोनट्स जो है वो छोटे बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, तो बहुत इजी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, आप लोग जरूर ट्राई करें, छोटे बच्चों को बना कर दें। और साथ में मैं आपके साथ चॉकलेट ग्लेज, आइसिंग ग्लेज की भी रेसिपी शेयर करूंगी, और साथ में हम जो है वो डोनट्स को डेकोरेट भी करेंगे। तो आप जो है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट्स की डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैदा चाहिए 500 ग्राम्स यानी कि 4 कप्स, और एग्स आपको चाहिए 2 रूम टेम्परेचर पे, और बटर आपको चाहिए 100 ग्राम्स रूम टेम्परेचर पे, और चीनी आपको चाहिए 4 टेबल स्पून, और पाउडर मिल्क आपको चाहिए 4 टेबल स्पून, और साथ ही आपको ईस्ट चाहिए यानी कि खमीरा 1 टेबल स्पून, और नमक आपको चाहिए होगा 1 टी स्पून, और साथ में नीम गर्म पानी चाहिए होगा जिससे हम जो है वो उस डो को गून लेंगे। हाफ़ के जी मैदे से जो है वो आपके 16 डोनट्स आराम से बन जाते हैं। तो अगर आप जो है वो ज़्यादा डोनट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं, यानी कि मैंने हाफ़ के जी मैदा बताया है तो आप 1 के जी मैदा ले लें, तो यानी सारे इन्ग्रीडियंट्स को आप जो है वो डबल करके भी बना सकते हैं, तो उससे जो है वो आपके ज़्यादा डोनट्स बनेंगे। तो चलो अब हम डो को जो है वो गून लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा जो है वो हम छान के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा मैदा जो है वो छान लूँगी। तो मैं जो है वो स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ डो को गूंदने के लिए। आप जो है वो नॉर्मल हाथ से भी गूंद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी जो है वो मशीन यूज़ करें, बस आपने जो है वो बहुत सॉफ्ट जो है वो आपने इसका डो गूंद लेना है। तो पहले जो है वो हम सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही अब हम इसमें वेट इन्ग्रीडियंट्स यानी बटर और एग्स जो है वो ऐड करेंगे। तो एग्स और बटर आपके दोनों लाजमी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। तो आपने जो है वो नीम गर्म पानी यूज़ करना है, और आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपका जो है वो डो अच्छे से गुन जाए। तो आपने जो है वो बहुत सॉफ्ट सा इसका डो जो है वो बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट जो है वो डो बना है, और ये थोड़ा स्टिकी भी होगा, तो ऐसे ही स्टिकी और जो है वो सॉफ्ट आपका डो होना चाहिए। तो चलें अब हम इस डो को निकाल लेते हैं। तो अब आपने जो है वो इस डो को किसी एयर टाइट कंटेनर में जो है वो रखना है डो को, ताकि इसमें कोई एयर ना जाए, और आपने अच्छे से कवर करके रखना है, और आपने किसी जो है वो गर्म जगह पे इसको रखना है ताकि डो जो है वो अच्छे से राइज हो जाए। आपने जो है वो 3-4 आवर्स इसको प्रूफिंग के लिए रखना है, या फिर डो जो है वो अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। तो 3 आवर्स जो है वो हो चुके हैं, डो जो है वो काफ़ी अच्छे से राइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपने जो है वो उसको इस तरह से पंच जो है वो करके इसकी जो भी एयर है वो आपने निकाल लेनी है, और फिर आपने डो को जो है वो काउंटर टॉप पे निकाल लेना है। फिर आपने थोड़ा सा इसको नीट करना है, और फिर आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और एक पार्ट को जो है वो आपने अच्छे से कवर करके रखना है। और अब हम इसको जो है वो रोल कर लेंगे, और आपने जो है वो डो को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, वरना ये हार्ड हो जाएगी और फिर आपके डोनट जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है डोनट्स को कट करने के लिए, तो आप जो है वो कोई भी इस तरह से कुकी कटर यूज़ कर सकते हैं डोनट्स को कट करने के लिए, और साथ में उसके सेंटर को होल कट करने के लिए आप जो है वो कोई भी पाइपिंग नोजल या बॉटल का जो है वो कैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो डो को रोल कर लेंगे, और डो अगर आपका जो है वो स्टिक करे तो आप जो है वो थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं। आपने जो है वो इस तरह से रोल कर लेना है, और आपका डो जो है वो 1/4 थिक होना चाहिए। तो अब आपने जो है वो कुकी कटर से पहले इसको कट करना है, और फिर सेंटर से आपने इसका होल कट कर लेना है। तो इस तरह से आपका डोनट जो है वो कट हो जाएगा। तो विदाउट एनी डोनट कटर आप ईजली जो है वो इस तरह से डोनट्स कट कर सकते हैं। और मैं आपके साथ जो है वो एक टिप शेयर कर रही हूँ। आपने जो है एक ट्रे में इस तरह से बटर पेपर लगाना है, या फिर बेकिंग पेपर लगाना है, जिसके ऊपर हम अपने डोनट्स कट करके रखेंगे, और फिर आपने जो है वो इस तरह से डोनट्स को कट करके इस बटर पेपर पर रखते रहना है, और थोड़े स्पेस के साथ आपने जो है वो डोनट्स को कट करके रखना है। तो इसी तरह से जो है मैं सारे डोनट्स कट कर लूँगी। डोनट्स जो है वो कट हो चुके हैं। अब आपने जो है वो उसको कवर करके रखना है 30 मिनट्स के लिए। तो आप जो है वो किसी प्लास्टिक रैप या फिर किचन टॉवल से उसको कवर करके रख सकते हैं। तो चलो अब हम उसको 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं।
तो 30 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं। अब हम जो है वो बेकिंग पेपर को कट कर लेंगे। तो आपने जो है वो डोनट के साथ ही बेकिंग पेपर को कट करना है। इस तरह करने से जो है वो आपके डोनट्स का शेप ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब हम डोनट्स को फ्राई करने के लिए उठाते हैं तो उसका शेप जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप जो है वो बेकिंग पेपर पे रख के बेकिंग पेपर के साथ ही फ्राई करेंगे तो आपके डोनट का शेप जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपके डोनट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से जो आपने जो है वो सिंगल डोनट को बेकिंग पेपर के साथ कट कर लेना है। आपने जो है वो सेम इसी तरह आपने सारे डोनट्स को कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने जो है वो ऑयल को गर्म करना है और बिल्कुल लो फ्लेम में ही आपने जो है वो डोनट्स को फ्राई करना है। तो हम ऑयल का टेम्परेचर जो है वो पहले चेक कर लेंगे। तो आपने जो है वो थोड़ी सी डो जो है वो ऑयल में डाल के इस तरह से चेक करना है। तो जैसे ही इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए और ये जो है वो थोड़ी देर में ऊपर की तरफ आ जाए तो दैट्स मीन कि आपका जो है वो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर को आ गई है, दैट्स मीन कि आपका ऑयल का टेम्परेचर भी ठीक है और आपकी डो भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो चले अब हम जो है वो डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम एक एक करके जो है वो डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। तो आपने जो है वो इस तरह से बटर पेपर के साथ ही डोनट्स को ऑयल में डाल देना है डोनट को, और फिर आपने जो है वो बटर पेपर को इस तरह से निकाल लेना है। तो फौरन से आपने जो है वो बटर पेपर को डाल के और इस तरह से बटर पेपर को निकाल लेना है। तो इससे जो है वो आपके डोनट्स का शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपके डोनट्स बनते हैं। और आपने जो है वो जैसे एक साइड से कलर आना स्टार्ट हो जाए आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और बार बार आपने इनकी साइड चेंज करके इनको दोनों तरफ इवनली आपने जो है वो फ्राई करना है, और आपने जो है वो अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर जो है वो पक जाए। और आपने पैन को ओवरफिल नहीं करना है, यानी कि आपने जो है वो एक टाइम में 4 to 5 डोनट्स को जो है वो सिर्फ फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, लाइट गोल्डन से कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो इसी तरह से जो है वो हम सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे। तो चले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम जो है वो बना रहे हैं चॉकलेट ग्लेज डोनट्स के लिए। तो आपने जो है वो एक पैन लेना है, उसमें ऐड कर देनी है 1 कप आइसिंग शुगर और 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है कोको पाउडर, और उसको जो है वो मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और फिर आपने जो है वो ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून बटर रूम टेम्परेचर पे, और उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और अब आप साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून पानी, नॉर्मल वाटर आपने इसमें ऐड करना है और उसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपने जो है वो अब इसको इतना मिक्स करना है कि बटर जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने जो है वो इसको मिक्स करते रहना है, अदरवाइज़ ये जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ध्यान से जो है वो जल्दी जल्दी इसको जो है वो मिक्स करते रहना है और उसको जो है वो कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बटर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको जो है वो हटा लेंगे। तो चॉकलेट ग्लेज हमारा रेडी है, अब हम जो है वो आइसिंग ग्लेज बना लेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कप आइसिंग शुगर और मिल्क आपको चाहिए एज रिक्वायर्ड। तो आपने जो है वो इस तरह से थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो आइसिंग ग्लेज रेडी हो गया है। तो चलो अब हम डोनट्स को जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं चॉकलेट ग्लेज में इनको डिप कर रही हूँ। तो आपने जो है वो नॉर्मली इस तरह से जो है वो इनको चॉकलेट ग्लेज में डिप करना है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट ग्लेज जो है वो कितना अच्छा बना है, कितना शाइन आ रहा है इस पर। तो इसी तरह हम आइसिंग ग्लेज में भी डोनट को डिप कर लेंगे। तो आप जो है वो नॉर्मल सिर्फ आइसिंग शुगर में भी डोनट्स को जो है वो रोल कर सकते हैं, तो उससे भी जो है वो डोनट्स बहुत मज़े के लगते हैं। या फिर आप सिंपली चॉकलेट आइसिंग ग्लेज में भी जो है वो उनको डिप करके आप खा सकते हैं। तो ये आप टोटली आपकी चॉइस है, जैसे आपको पसंद है आप ऐसे बना के जो है वो उनको इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मैं डोनट्स को जो है वो डिप कर लूँगी चॉकलेट और आइसिंग ग्लेज के साथ। और इसी तरह अब हम जो है वो कलर ग्लेज बना लेंगे, यानी कि आप जो है वो अपने पसंद से कोई भी कलर का जो है वो ग्लेज बना के आप इन डोनट्स को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इस आइसिंग ग्लेज में जो है वो थोड़ी सी आइसिंग शुगर और ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें जो है वो उसको थोड़ा सा थिक बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसमें ऐड कर दी है और उसको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ये रेडी हो गया। अब आपने जो है वो इसमें कोई भी फूड कलर ऐड कर देना है, तो मैं यहाँ पर जो है वो पिंक जेल फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपने डाल के जो है वो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर आपने जो है वो इसमें डोनट को डिप करना है। तो इस तरह से जो है वो आपका कलर ग्लेज जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो
आप जो है वो इसी तरह इनको डिफरेंट कलर्स में भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसको न्यूटेला या फिर वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट उनमें भी आप जो है वो इनको डिप करके इंजॉय कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा न्यूटेला इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, तो इससे भी जो है वो बहुत मज़े के डोनट्स लगते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप जो है वो डोनट्स को जिस तरह भी चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, आप स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब हम इन सब डोनट्स को जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं डोनट्स जो है वो रेडी हैं, मैंने कुछ में जो है वो नट्स ऐड किए हैं, कुछ में मैंने स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। इस तरह जो है वो आप अपने डोनट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को डेकोरेट करके डोनट्स को दें तो वो बहुत शौक से है वो खाते हैं। तो कम्प्लीटली होममेड डोनट्स हैं, आप घर में बनाएं तो ये बाहर के डोनट्स से बहुत अच्छे होते हैं कि आप घर में जो है वो खुद से बना के इंजॉय करें। तो मैं आपको जो है वो एक डोनट जो है वो कट करके भी दिखा देती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है। तो बहुत ही सॉफ्ट ये डोनट्स बनते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और अंदर से जो है वो कम्प्लीटली कुक हो गया है और कितना सॉफ्ट है, और खाने में भी बहुत मज़े का जो है ये टेस्ट में होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोबिया इन द किचन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।